हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम अपने लॉन्ग कुर्ती को एज अ ब्लाउज़ कैसे स्टाइल करें। तो यहाँ पे मैंने कुर्ती को कोई स्टिच नहीं किया या कुछ कटिंग भी नहीं किया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हो गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्लीज़ क्लिक कीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी मैंने लॉन्ग कुर्ती ली है फ्रेंड्स। क्रॉप टॉप के साथ तो सभी स्टाइल करते हैं साड़ी को, ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि लॉन्ग कुर्ती टग इन कैसे करना है। यहाँ पर मैंने स्कर्ट के साथ टग इन किया है कुर्ती को। आप अपने पेटीकोट या शेपवेयर के साथ भी टग इन कर सकते हैं। कुर्ती को स्टाइल करेंगे। एक्चुअली ये कुर्ती नहीं है, मेरा एक पुराना सूट था तो इसका फिटिंग मुझे बहुत टाइट हो रहा है, इसके वजह से मैंने इसको एज अ ब्लाउज स्टाइल किया है। यहाँ पीछे ऐसे बहुत अच्छे से नॉट दी गई है, आप देख सकते हैं ब्लाउज के तरह ही इसका डिज़ाइन है बना, और आगे भी डिटेलिंग दिया गया है। इस साड़ी के साथ स्टाइल किया है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कलर इसमें दिया गया है। ये साड़ी मैंने रिसेंटली ली थी मीशो से, इसका हॉल मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं दे दूँगी आई बटन में, आप चेकआउट ज़रूर करना फ्रेंड्स। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। इस साड़ी का ब्लाउज इस तरह से था तो मुझे स्टिच नहीं करना है, कुछ डिफरेंट चाहिए था मुझे इस साड़ी के साथ। फ्रैंकली बोलो फ्रेंड्स, इस साड़ी का प्राइस है 340 रुपीज़ और ब्लाउज़ की स्टिचिंग है 300 से 500 तक हो जाती है। हम कैसा पैटर्न बनाते हैं उस पर डिपेंड हो जाता है कि कितने सिलाई चार्ज करते हैं टेलर हमारा, तो उसके वजह से साड़ी का प्राइस ब्लाउज़ में चला जाता है, तो फिर सस्ती साड़ी लेने का फ़ायदा ही नहीं होता है ना फ्रेंड्स। पैसे का पैसा ही बच जाता है, स्टाइल हो जाता है, और हम हमारी कुर्ती पड़ी है कबर्ड में वो हम रीयूज़ कर सकते हैं इस तरह से। ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, आप देख सकते हैं ट्राई ऑन हॉल में। तो आइए देखते हैं इसे हम मैंने किस तरह से स्टाइल किया। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये ब्लैक कलर की है, ये दे सकते हैं, ये पंख ब्रांड की है फ्रेंड्स। अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी, ये फ्लिपकार्ट से लिया था मैंने। यहाँ पे पफ स्लीव्स दिए गए हैं, स्लीव्स का पैटर्न भी बहुत ही खूबसूरत है इसका, देख सकते हैं। इस कुर्ती को मैंने स्टाइल किया है इस साड़ी के साथ, बहुत ही बेसिक और सिंपल सी साड़ी है, इसे मैं डेली यूज़ में यूज़ करती हूँ कभी कभी, आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा पिंक कलर इस कुर्ती में है और ब्लैक कलर के बॉर्डर है, ये पहनने के बाद तो बहुत खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। थोड़ा डिफरेंट और यूनिक स्टाइल है, देखते हैं इसको मैंने किस तरह से स्टाइल किया है इस साड़ी के साथ। जो लास्ट कुर्ती है ये इस तरह से ब्लैक कलर की सॉलिड कुर्ती है, तो ब्लैक कलर की कुर्ती होती है फ्रेंड्स वार्डरोब में, उसे हम स्टाइल कर सकते हैं एज अ ब्लाउज की तरह, और इसके स्लीव्स भी बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। मैंने ब्रांड फैक्ट्री से लिया था कुर्ता, इस तरह के लिबास ब्रांड के भी मिलते हैं, चाहिए होगा तो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी आपको। इस सॉलिड कुर्ती को मैंने इस साड़ी के साथ स्टाइल किया है, ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन हो गया है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है पहनने के बाद, देख सकते हैं। ये थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में हो जाती है साड़ी, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है।
आपके पास तो होगा ही इस तरह की कुर्ती। अगर आप कुछ स्टाइल करते होगे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। बाय, स्टे क्रिएटिव।